हमारे नए जो एसीएस साहब आए, आते आते बीपीएससी के अध्यक्ष से उलझ गए, ये सार्वजनिक है, सब जानते हैं। फिर में उनको माहिर, वो माहिर है और क्या करते हैं। जी ने हमसे कहा कि चंद्रशेखर जी, सुन लीजिए आपके बारे में फायदा होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको कहा, चंद्रशेखर जी आप तो लगता है बीजेपी वाला से सलाह ले लेते हैं, हमारे ऊपर आरोप लगाए, आप लगता है बीजेपी वाला सलाह ले लिए, लेकिन मेरे हर मांग को एकाध को छोड़ करके मेरे प्रस्ताव लिखित जो है, मेरे पास दस्तावेज है डेट सहित, मेरे हर मांग को, सुधार की हर मांग को माना गया, मगर 5 महीना के बाद, 2 महीना के बाद, 1 महीना के बाद, 3 महीना के बाद, फिर मैंने इस तरह से, मैं एक बार महोदय ये डेट वाइज लाया हूं, 30 मई 2023 को बीपीएससी ने विज्ञापन जारी किया, 30 मई 2023, सुन लीजिए आप लोगों को शायद सुविधा होगी, 30 मई 2023 को विज्ञापन जारी हुआ महोदय, और नए एसीएस का पदस्थापन 7 जून को हुआ। प्रथम विज्ञापन से लेकर के नया एसीएस के आने में 1 महीना 7 दिन का अंतर है लगभग, और 1 महीना 7 दिन के अंतर जब प्रथम विज्ञापन में है तो बीपीएससी में ऐसे महान एसीएस का क्या क्या योगदान है, हमको जो बताया जाए महोदय, ये पूरी तरह से महागठबंधन सरकार ने और अपने इशू को, इसको इशू को रखा और हर समय ये कोशिश किया कि हम बेहतर शिक्षा के क्षेत्र में कर सके। महोदय ये कहना चाहता हूं, हमारे नए जो एसीएस साहब आए, आते आते बीपीएससी के अध्यक्ष से उलझ गए, ये सार्वजनिक है, सब जानते हैं, फिर उलझ गए, पता नहीं उलझने में उनको माहिर, वो माहिर है और क्या करते हैं। महोदय डोमिसाइल मुद्दा एक बड़ा इशू था, महोदय डोमिसाइल नीति महागठबंधन के एजेंडे का विषय था, डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति हुई, देश के हमको आश्चर्य महोदय कहते हुए कि हमें नियावली लेके जाते थे, विजय बाबू हर्ष में रहते थे, नियावली है उत्तराखंड में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, वेस्ट बंगाल में, पता नहीं अधिसंख्य राज्यों में डोमिसाइल नीति, झारखंड में डोमिसाइल नीति लागू है, मगर अधिकारी पढ़ाते थे ना, सब निरस्त हो गया। मेरी चुनौती है, अगर निरस्त हुआ है उत्तराखंड का, अगर निरस्त हुआ है छत्तीसगढ़ का या देश के अन्य राज्यों का, तो मैं सरकार से जवाब चाहूंगा कि कब निरस्त हुआ और अभी कौन सा डोमिसाइल नीति चालू। लेकिन आज तो मतलब जवाब देंगे केवल सिंचाई विभाग पर, भाई महोदय चूंकि हमको आरोपित किया गया है, महोदय हमको आरोपित किया गया है, जवाब देना देने दीजिए महोदय। मैं इसलिए डोमिसाइल नीति को आराम से लागू किए माननीय मुख्यमंत्री जी, मगर 25 जून को उसको निरस्त कर दिए। अब जब निराश कर दिए, क्योंकि हम सरकार के मंत्री थे, ना चाहते हुए भी हमें स्वीकार करना पड़ा महोदय। अब केवल 5 मिनट बचा है चंद्रशेखर, महोदय 5 अगस्त, चंद्रशेखर जी केवल 5 मिनट बचा आपका, महोदय अब लोग डिस्टर्ब किया महोदय, 5 अगस्त महोदय 5 अगस्त को सर्वदलीय बैठक हुई जिसमें राजकर्मी का दर्जा दिया गया महोदय, और पदस्थापन नीति महोदय और अलग से परीक्षा लेने पर सहमति हुई 5 अगस्त को। निगेटिव मार्किंग हटाने के लिए जब मैंने कोशिश किया 2/6/2023 को लिख के दिया, लेकिन उस समय नहीं मानी गई, 18/8 मेरे सलाह के 2 महीना के बाद बीपीएससी परीक्षा से निगेटिव मार्किंग हटाई गई महोदय। मैं महोदय यह कहना चाहता हूं, प्रस्ताव आया मेरे पास नियोजित शिक्षकों को लेटरल इंट्री शिक्षक बनाने का, लेटरल इंट्री के मानक नियम है भारत सरकार में, उससे इतर शिक्षकों को अपमानित करने का सब प्रयोग करना ठीक नहीं था महोदय। मैंने तब संचिका पर दिया और यह कि नहीं लेटरल इंट्री शिक्षक का हम विरोध किए महोदय, तब उसका नाम विशिष्ट शिक्षक नियावली हुआ महोदय। 27 अक्टूबर 2023 को राजकर्मी बनने पर विशिष्ट शिक्षक नियामावली के कठिन प्रावधानों के विरुद्ध मेरा मंतव्य था महोदय। कुछ तो माने गए,
अगर सारे प्रस्ताव माने जाते तभी शिक्षक आंदोलन को मजबूर नहीं होते महोदय। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं महोदय, 18 दिसंबर 2023 को विशिष्ट शिक्षक नियमावली के निरूपण की संचिका मेरे पास आई, एसीएस से नहीं महोदय, मुख्य सचिव के माध्यम से आई। अब समझ लीजिए महोदय क्या स्थिति है, राजपाट कैसे चलता है। एसीएस के माध्यम से नहीं, सीएस के माध्यम से आई मेरे पास संचिका महोदय, और जो मैंने मंतव्य दिया कठिन प्रावधानों को हटाने का, जो अनावश्यक था, अतार्किक था, अदूरदर्शी था, गैर वैधानिक था, मैंने उस पर मंतव्य दे करके अध्यापक नियमावली 2023, विशिष्ट शिक्षक नियमावली में जो प्रस्ताव दिए, अधिसंघ प्रस्ताव को माना गया, कुछ आवश्यक प्रस्ताव को नहीं माना गया, जिसके कारण शिक्षक अभी परेशानी झेल रहे हैं महोदय। प्रस्थापन की क्रूर नीति कौन है जानते, हम कहते हैं हम शिक्षा क्षेत्र में बेहतर काम करना चाहते हैं, तो क्या पदस्थापन दंड के रूप में देंगे? सासाराम की लड़की किशनगंज में, किशनगंज की लड़कियां बच्चियां सासाराम में, मधेपुरा की बच्चियां बेतिया में, बेतिया की बच्चियां मधेपुरा में। महोदय माननीय मुख्यमंत्री जी के सहमति के बावजूद भी विजय बाबू के नेतृत्व में बैठक हुई महोदय, और निर्देश भी विजय बाबू ने दिए। मैं उसी समय विजय बाबू कहा कि शायद ये हठी है, आपकी बात भी नहीं मानेंगे, और नहीं माना, आज तक नहीं माना है महोदय। समय महोदय 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 इंपॉर्टेंट है महोदय, इंपॉर्टेंट है कंक्लूजन की ओर बढ़िए, समय समाप्त हो रहा है महोदय। महोदय महोदय डिस्टर्ब किया गया है, 2-3 मिनट ज्यादा दिया जाएगा महोदय। मैं आप महोदय कहना चाहता हूँ महोदय, पदस्थापन की क्रूर नीति के कारण हजारों शिक्षक शिक्षिकाएं योगदान नहीं किया है महोदय। मैं माननीय मंत्री जी से ये चाहूंगा कि एक एक श्वेत पत्र जारी करें जिला वाइज कि कितने लोगों का पदस्थापन के लिए चिट्ठी गई, कितने बच्चे बच्चियों ने ज्वाइनिंग नहीं किया, और ज्वाइनिंग करके कितने बच्चों ने छोड़ दिया। मैं इसका जवाब चाहूंगा महोदय। एससी अब आप देखिए, इंटर काउंसिल को पहले से ही बहुत ज्यादा लोड है, इंटर काउंसिल सब ढंग के बड़े बड़े एग्जाम आयोजित करती है, शिक्षकों का नियोजित शिक्षकों का परीक्षा अलग से लेने का जब प्रावधान हुआ तो हमने सलाह दिया था कि एससीईआरटी से कराइए, क्योंकि एससीईआरटी को दक्षता परीक्षा लेने का व्यापक अनुभव है। जब एक शिक्षक जब दक्षता परीक्षा पास कर गया तो पुनः उसकी परीक्षा की क्या जरूरत, फिर भी ऑफलाइन चूंकि परीक्षा एससीईआरटी लेती है, उस समय मेरी बात नहीं मानी गई, मगर बाद में माननीय मंत्री जी का और एसीएस साहब का ये आया है फरमान कि हम 2 बार ऑफलाइन भी लेंगे। मेरा इसमें चिंता का विषय है महोदय, पिछले दफा अखबारों में पढ़ा राजद के मंत्री बेईमान हैं।